लगाती है। आपने दुरुपयोग की बात कही तो कांग्रेस आप पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है, आप पर या आपकी सरकार के ऊपर, आपके शासन के ऊपर, कि ऑर्गेनाइज करप्शन है इस गवर्नमेंट के अंदर। इस आरोप का आप जवाब कैसे देते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। दलालों का अड्डा बल्लभ भवन कौन ने बनाया था? अच्छा एक ही बात का जवाब दे दें, छापे कौन के करीबों के पास पड़े? 280 करोड़ रुपए कहां बरामद हुए? किस मुंह से बात करते हैं कांग्रेस के लोग? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, मेरे सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बनाने वाले लोग मुझसे आंख मिला के बात कर सकते हैं क्या? पीछे पीछे करते रहते हैं खुस खुस। बोले बार बार चलाओ तो शायद चिपक जाए। ये शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है मैं कैसा व्यक्ति हूं। ये इपकाए चाहे चिपकाए, मैं यहां कुछ नहीं चिपकेगा, कांग्रेस ही चिपक जाएगी। एक सवाल जो कि महिला आरक्षण बिल को लेकर है, नारी वंदन अधिनियम अब पारित हो गया है और उसमें ओबीसी के रिजर्वेशन की भी बात की गई, कैसे आप इसको देखते हैं? और ये ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ही लिया है केंद्र में। मैं तो प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही ये विधेयक पारित होकर कानून बन गया है, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी भी एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ओबीसी महिलाओं को शामिल करना चाहिए था, आपकी राय क्या है? सब पहलुओं पर विचार करती है जी, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि केंद्र की सरकार में जो सचिव हैं उसमें से 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। हालांकि गृह मंत्री ने इसका जवाब दिया 29% मंत्री ओबीसी हैं। एक तरह से पूरी बीजेपी को ओबीसी विरोधी करार दे रहा है विपक्ष इस मुद्दे पर। देखिए हम सामाजिक सद्भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इस नजरिए से हम नहीं देखते, ये वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं। लेकिन कांग्रेस बताए मध्य प्रदेश में कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाए, एक बार कांग्रेस बता दे कौन से मुंह से बात करती कांग्रेस। इनने सुभाष यादव जी को नहीं बनने दिया, स्वर्गीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने का उनका नंबर था, षड्यंत्र करके पिछड़े सुभाष यादव जी को इनने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इनने शिवभानु सिंह, स्वर्गीय शिवभानु सिंह सोलंकी जी आदिवासी थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए, ये किस मुंह से बात करते हैं? लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि उनका हाथ जो है वो भारी पड़ जाएगा, पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, कुछ 5-7 सीटें ही ज्यादा आई, लेकिन इस बार ज्यादा इसलिए आ जाएंगी क्योंकि आपको अब 18-19 साल हो चुके हैं इस सरकार को, तो एक नेगेटिव इंपैक्ट है पब्लिक के अंदर। 18 साल में तो और मजबूत हो गई सरकार, चारों तरफ आप देखो, कहीं चले मेरे साथ कमलनाथ देखें, आपको लगता है जनता का प्यार और समर्थन किसको प्राप्त होता है? देखिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार 9 करोड़ का परिवार है मेरा, और परिवार की तरह लाड़ भी मैं पाता हूं, लोगों को प्यार भी मैं करता हूं जी।